हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेट आगे 75 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एमडी का 2024 के डेट आगे 75 में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसका सब टॉपिक प्रोटीन्स को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन टाइप्स पढ़ेंगे। हम प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन को दो तरह की टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सबसे पहले हम इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पाएंगे। जैसे कि फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो ये इनसोल्यूबल इन एक्वस मीडिया होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कौन सी प्रोटीन की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है तो वो हमारे पास स्कैंडल स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइब्रस प्रोटीन्स। देन एग्जाम्पल्स की बात करें तो सिल्क फाइबर, जो सिल्क वर्म एंड स्पाइडर वेब प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है सिल्क फाइबर। देन मायोसिन, जो मसल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। देन फिब्रिनोजिन, फिब्रिन जो होती है ब्लड क्लॉट में जो मदद करती है वो हमारे पास प्रोटीन है। एंड कैरेटिन, जो नेल्स एंड हेयर्स में प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास एग्जाम्पल है फाइबर्स प्रोटीन की। देन ग्लोब्यूलर प्रोटीन की जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे पास फाइबर्स प्रोटीन से। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में दे आर सोल्यूबल इन एक्वस मीडिया सच एज सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस और एक्वस एल्कोहल्स। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, दे आर नॉन इलास्टिक इन नेचर, ये आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद इसमें जो हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन। देन एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास एग्जिबिट करती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को। आज का आपका बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसको सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करेंगे, देन इसको आप अच्छे तरीके से फेडरल से कवर करेंगे। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 75 की बात कर लें तो इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल UHS और NUMS में क्वेश्चन लाजमी आता है। इंपेरिकल फॉर्मूला में जो आपकी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो आप इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज और बेंजीन के एम्पिरिकल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। जैसे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C6H12O6 है। एंड अगर हम बेंजीन की बात करें तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH है और इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो वो C6H6 है। ये आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला UHS में पूछा गया है और बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला NUMS में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखे हुए हैं इंपेरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए। इसका जो सबसे पहला जो स्टेप है यह हमारे पास लास्ट ईयर 2022 NUMS के पेपर में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटाइल कंपोजिशन। यह हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए स्टेप यूज होता है। तो ये आप अच्छे तरीके से सारे स्टेप कवर करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप कवर करेंगे। इसमें आपने जो कॉन्सेप्ट लेना है वो आपने एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला देखना है। इसमें ये हमारे पास NUMS में हमारे पास क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछा गया है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो हमारे पास है C3H4O3। ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आज का आपका जो केमिस्ट्री का टारगेट है वो आपके पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसके स्टेप्स आप अच्छे तरीके से कवर करें और इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन हम फिजिक्स के टारगेट 75 की बात कर लें तो इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। इसमें से हर सारी कंडक्टिंग बॉडी क्वेश्चन देती है, इसमें से कंडक्टिंग बॉडी कोई भी MCQs या क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करती। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है MD कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आज आप की कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो आप इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास लिखी हुई है वो आप कवर करेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज यूज हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट लेंगे, साइड पर जो डायग्राम्स दी गई हैं उनको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसमें ईच एंड एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ईच एंड एवरी लाइन हमारे पास MCQs हैं। ये आज का आपका जो फिजिक्स का टारगेट है वो आपके पास है प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन। इसको आप अच्छे तरीके से अपनी प्रोविंशियल बुक से सबसे पहले कवर करेंगे, देन ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से आप इसका कॉन्सेप्ट लेंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज। हम फिजिक्स